नमस्कार विवेक गुप्ता, करियर काउंसलर आपका स्वागत है MBBS। और एक बहुत बड़ा डाउट आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ना भी कमेंट्स में पूछते हैं, कभी बार आप फ़ोन भी करते हो और ये फ्रॉस्टर्स का बहुत फेवरेट थिंग है, आपको ये समझाना कि जी सरकारी नहीं मिल रहा तो सेमी गवर्नमेंट में दिला देंगे, और सेमी गवर्नमेंट मतलब सस्ता। देखिए होता क्या, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कह लो सीट कह लो, सबसे फेमस नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ तो महाराजा अग्रसेन अग्रोहा कॉलेज आता है जो हिसार के पास है, जिसकी फ़ीस 1,80,000 है, तकरीबन 2 लाख रुपए साल की है, करेक्ट। अब उसकी जो कट ऑफ होती है, पहली बात तो वो कॉलेज मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है कि बिल्कुल एक यूनिक कॉलेज है, कि प्राइवेट नहीं है इसलिए आउटसाइड हरियाणा के लिए एलिजिबल नहीं है, प्योर सरकारी भी नहीं है इसलिए ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं आता, तो बड़ा ही मिक्स वाला कॉलेज है, बट फीस सिर्फ 2 लाख है। तो बेसिकली सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों के लिए इसकी 100% सीटें हैं, फिर बाकी जो हरियाणा के सरकारी कॉलेज हैं PGMS रोहतक, कल्पना चावला, शहीद हसन मेवाती, भगत फूल सिंह सेट्टा सेट्टा, उसमें 85% हरियाणा, 15% ऑल इंडिया। अग्रसेन एक कॉलेज है 100% हरियाणा बस, पर चूंकि पूरा हरियाणा जानता है कि उसकी फ़ीस 2 लाख रुपए है, विच इज़ वेरी वेरी लो फ्रॉम द 12 लाख, उसकी जो कट ऑफ है ना वो बिल्कुल सरकारी वाली होती है, या शुड आई से ऐसी वाली भी नहीं सरकारी के नीचे होती है, कई हरियाणा के लोग तो शहीद हसन मेवाती से या अटल बिहारी चैनसा से ऊपर अग्रोहा को रखते हैं, विच मीन्स अगर इस साल 660 नंबर एक हम रफ बोलते हैं हरियाणा की स्टेट कट ऑफ जाने वाली है, तो अग्रोहा की भी 660 ही होगी, शायद 662 होगी, ये हो गया। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में ले लें, हिमाचल में ले लें, कोई ऐसे सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं है, फिर पंजाब के प्राइवेट कॉलेजों की सीट्स आती हैं जिसमें से आधी सीटें वो 4 लाख फीस पे होती हैं, चाहे वो DMC लुधियाना हो, PIMS जलंधर हो, ज्ञान सागर बेगूर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर कुछ लोग CMC लुधियाना, CMC वेल्लोर, सेंट जॉन्स को भी सेमी गवर्नमेंट बोल देते हैं। देखिए डेफिनेशन से सेमी गवर्नमेंट हो चाहे जो मर्जी हो, लॉजिक सिंपल सी बात यह है कि सारी सीटें आपको मेरिट से मिलनी है, और हरियाणा का अग्रोहा तो सिर्फ हरियाणा भर सकता है, सेंट जॉन्स की 10 सीटें ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल हैं, CMC लुधियाना की 4 या 5 सीटें ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो कट ऑफ जाती है इस साल के हिसाब से दे ऑल वुड बी ओवर 650, मतलब CMC लुधियाना या सेंट जॉन्स अक्सर उसको मिलता है जिसको प्रॉपर इंडिया में कोई सरकारी कॉलेज मिल रहा है, मतलब इतने आपके मार्क्स हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं बिकॉज इंसिडेंटली ऑल स्पेशली दिस 3 कॉलेज CMC वेल्लोर, CMC लुधियाना एंड सेंट जॉन्स बेंगलोर आर रियली ग्रेट कॉलेजेस, तो मैनी पीपल एक्चुअली लीव अ गवर्नमेंट सीट अगर आपको किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मिल रही है, अंडमान निकोबार में मिल रही है, फॉर दैट मैटर किसी महाराष्ट्र के टीयर में मिल रहे हो, CMC वेल्लोर कट ऑफ तो बहुत ही ऊपर जाती है, मतलब कि समटाइम पीपल एक्चुअली लीव बियॉन्ड टॉप 40 गवर्नमेंट कॉलेजेस, लोग CMC वेल्लोर लेते हैं, तो उसमें आपको सीट कहाँ से मिल जाएगी जिसके सरकारी से 30 नंबर कम है। तो कमेंट्स में लोग ना 580-590 वाला मुझे फ़ोन करके या कमेंट में डाल के पूछ रहा है सर सेमी गवर्नमेंट मिल सकती है, सिमिलरली राजस्थान में आ जाओ, सबसे पॉपुलर स्टेट फॉर सेमी गवर्नमेंट नहीं है, वो बेसिकली जो उनकी पेड सीट है जो सरकारी कॉलेजों में लॉन्च की गई थी 8 लाख रुपीज़ पर ईयर फीस, एक तो 8 लाख रुपये ले रहे हैं, और फिर से चूँकि टेक्निकली वो सारे सरकारी कॉलेज हैं, ऑल दी 100% सीट्स आर ओनली फॉर राजस्थान डोमिसाइल, गुजरात के जो फेमस GMERS कॉलेज हैं ऑल द सीट्स आर फॉर गुजरात पीपल, कर्नाटका में, तेलंगाना में, बंगाल में, जहाँ पर भी कम फीस की सीटें हैं ईच एंड एवरी सीट इज़ ओनली फॉर दैट स्टेट डोमिसाइल, ये तो होगी पहली बात, और दूसरी बात सबको पता है भाई कि उसकी फ़ीस 1 लाख रुपए है ना, तो लेट से आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो या आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो, जो कर्नाटका के सारे स्टेट कॉलेजेस हैं केम्पेगौड़ा, राबिया, विदेही एक्सेट्रा एक्सेट्रा, BGS, सप्तागिरी, जिसके अंदर ये 40% सीट्स होती हैं जो सस्ती वाली होती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहली बात है कर्नाटका डोमिसाइल के लिए, और दूसरी बात अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल के भी हो तो भी आपको 400 नंबर पे सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कर्नाटका के डोमिसाइल के बच्चों को सरकारी नहीं मिलती वो इनको ले लेता है, क्योंकि इनकी फ़ीस भी 1.25 लाख रुपये ही है, तो ये थोड़ी ना, तो ना जैसे अग्रोहा को देख के लोग गलतफहमी होती है, मुझे कई बार क्वेश्चन आता है स्पेशली हरियाणा साइड से, नंबर बहुत कम है, मतलब इस साल की बात करूँ तो 630 नंबर है सर, या 600 वाले ही पूछ रहे हैं सर अग्रोहा मिल जाएगा, मैं ये समझाता हूँ कि अगर PGMS रोहतक मिलेगा तो अग्रोहा मिलेगा, दोनों ही कट ऑफ में खाली 5 नंबर का फ़र्क है। सिमिलरली अगर आप कर्नाटका के बच्चे हो तो कर्नाटका के स्टेट कोटे से आपको सरकारी कॉलेज मिले या कर्नाटका की ये 1.5 लाख रुपये फीस वाले आपको प्राइवेट कॉलेज मिले, इनकी कट ऑफ में सिर्फ 5 नंबर का फ़र्क होगा, क्योंकि जो बच्चे सरकारी लेना चाहते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ सरकारी लेते हैं फ़ीस के लिए,
तो भाई 1.25 लाख रुपए जो आपको मिल रहा है, इट इज़ एज गुड एज फ्री इन टर्म्स ऑफ इंडियन MBBS फी कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो जितनी भी सेमी गवर्नमेंट की जो आप कहते हो ना कि कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजों में सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं तो वो सेमी गवर्नमेंट बन जाता है भाई, वो पहली बात तो वो उस राज्य के डोमिसाइल के लिए है, और दूसरी बात अगर आप उस राज्य से भी बिलोंग करते हो, जहाँ पर भी फीस सस्ती है उसकी कट ऑफ प्रैक्टिकली सरकारी कॉलेज की तरह है। क्योंकि मैं समझाता हूँ आप लोगों को बाबा, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इसलिए नीचे आती हैं कि मैं किसी से कल बात कर रहा था, बहुत अच्छा वो रेशो निकला कि अगर मैं लास्ट ईयर का ट्रेंड देखूँ तो एक बार जब सरकारी सीट ख़त्म हो जाती हैं, जो हर बच्चा ले लेगा, हर 10 में से एक बच्चा प्राइवेट कॉलेज लेता है, 9 बच्चे छोड़ देते हैं, चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो ड्रॉप करना चाहते हैं, मोस्टली रीज़न ड्रॉप करने का वो अफोर्ड का होता है। अगर हर बच्चा हिंदुस्तान का प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाता फिर तो 1.25 लाख 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक सारी सीटें भर जाती, तो हमें 8-8, 9-9 लाख रैंक में क्यों सीट मिलती है, क्योंकि हर 10 में से एक बच्चा, 9 बच्चे सीट नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते कि आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख साल की फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन जिसने भी नीट की तैयारी करी है वो 1.25 लाख रुपये साल की फ़ीस तो दे सकता है, 2 लाख भी दे सकता है। और जो बड़ा फेमस एक सरकारी कॉलेज है महात्मा गांधी वर्धा, जो शायद एकमात्र प्योर सरकारी कॉलेज है जो ऑल इंडिया कोटा में आता है, और जिसकी फ़ीस 4 लाख रुपये आपको नज़र आती है जब हम ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग करते हैं, वो भी कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि जो सरकारी लेना चाह रहा था उसको भी इससे सस्ता क्या मिलेगा। बहुत ही विरले कुछ लोग होंगे हिंदुस्तान में जो सरकारी कॉलेज में या MGM वर्धा में भी ये देख रहे हैं कि भाई 4 लाख की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो 1 लाख रुपये तक की चाहिए थी, क्योंकि उससे सस्ता तो कोई प्राइवेट है ही नहीं ना। तो अगर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, मुझे MGM वर्धा, तो इसलिए MGM वर्धा का भी ऐसा नहीं होता कि उसकी कट ऑफ लोएस्ट जाती है भाई। नॉर्थ ईस्ट के या अंडमान निकोबार के या मैनी तमिलनाडु इंटीरियर कॉलेजों से हमारे सारे स्टूडेंट कहते हैं MGM वर्धा सर ऊपर भरो, 4 लाख तो कुछ भी नहीं है साल के दे देंगे। सो अगेन द कट ऑफ वुड बी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। अब जो उसकी स्टेट कोटा की सीट्स हैं, स्पेशली MGM वर्धा एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आधी सीटें और कुछ ऑल इंडिया में आती हैं, बाकी स्टेट कोटा में जाती हैं। अब जो स्टेट कोटा में जा रही है वो तो वैसे ही बहुत हाई कट ऑफ है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, देर इज़ नो प्रैक्टिकली देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट। और जहाँ पर भी 1-2 लाख 3 लाख फीस जा रही है ना साल की इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में, हम लोग स्टूडेंट लोग उसको फ्री सरकारी ही मानते हैं। तो अगर कोई बच्चा सरकारी लेना चाह रहा था ना तो वो 3 लाख रुपये साल तो अफोर्ड कर ही लेता है। इसलिए ACMS एक और जो आर्मी का कॉलेज है 5 लाख साल की फ़ीस का, सबकी कट ऑफ उसी रेंज में रहती है जो कि प्रैक्टिकली सरकारी रेंज है। जैसे मैंने कहा सेंट जॉर्ज, समझ लीजिए केरल, चूँकि वो फिर भी 7 लाख हो जाता है, तो उसमें हम देखते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से कि 540-550 नंबर में मिला था कर्नाटका के 11 लाख के कॉलेज, कि भाई कई लोग होते हैं जो हाँ फिर वो सीटें छोड़ते हैं, बिकॉज 7 लाख खर्च करना या 11 लाख खर्च करना मुश्किल है बहुत सारे बच्चों के लिए। अब ये 5-5 लाख की तो सीटें ही बड़ी लिमिटेड हैं। तो मैं कहना भाई गुजरात में तो वैसे फ़ीस वो 3 लाख ही मांग रहा है, राजस्थान में चूँकि 8 लाख मांगते हैं तो फिर भी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कि भाई 8 लाख भी ज़्यादा है, बट वो भी फिर बहुत बच्चे हैं लेने वाले, तो वो जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरती है। मतलब इस साल अगर राजस्थान 650 पे सरकारी में ख़त्म हो रहा है तो समझ लीजिए जो 8 लाख की फ़ीस है ये भी 620-625 तक में ही ख़त्म हो जाएगी, कोई ये 550 नंबर भी आपको नहीं मिलने वाली। तो सेमी गवर्नमेंट सबसे बचिए, सेमी गवर्नमेंट फ्रॉड से बचिए। इट इज़ बेसिकली ये आप महंगी फ़ीस दे रहे हैं, आप सस्ती फ़ीस दे रहे हैं। सस्ती फीस सबको पता है कौन कौन सी है, और सबको पता है कि उसके लिए कट ऑफ आई जाएगी, लेकिन आप भोले लोगों को ये फ्रॉस्टर चूना लगाते हैं, सेमी गवर्नमेंट का लालच लेके आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स का भी मिसयूज़ होता है। अभी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप सबको अपने डॉक्यूमेंट भेज देते हैं ना बिना अच्छी तरह से जाने पहचाने, तो और उसने आपसे कुछ नहीं कमाया बट आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ही कई जगह सीट ब्लॉकिंग के लिए हो जाता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हर एक ऐरे गैरे को अपने डॉक्यूमेंट मत भेजिए। और सिमिलरली मिलता कुछ नहीं है, आपको लास्ट तक लटका के जाया जाता है, फिर आपको लास्ट में कहा जाता है कि बेटा तुम तो खाली जाने वाले हो, साल बचाना है तो मैं काम करता हूँ, तुम्हें रशिया भेज देता हूँ या कजाकिस्तान भेज देता हूँ, या लास्ट राउंड में तुम्हें फलाना कॉलेज में सीट दिला देता हूँ। फिर आप डेस्परेशन में सीट ले लेते हो जो उनका असली मकसद था, और आपने 2-5 लाख रुपये एडवांस दे दिया सेमी गवर्नमेंट सीट का, तो वो तो चंदे में चला ही गया। तो ध्यान रखिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिए ताकि आप जैसे सारे MBBS एस्पिरेंट्स को पता चल जाए कि कैसे वो सेमी गवर्नमेंट के नाम से बचें। और ऐसा कुछ खास होती नहीं है सीट्स हिंदुस्तान में, ठीक है, या तो आपको भाई सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, ये एक ज़्यादा बेटर डिफरेंशिएशन है सरकारी या प्राइवेट जिसको हम डे टू डे भाषा में बोलते हैं। और जो भी सस्ती है उसी कट ऑफ पूरी जाती है। ओके,
हैव अ नाइस डे। और हमसे आप काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहें 9643362320 पे कॉल कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।